So welcome friends again. Now we'll be starting with the problem solving which I have already given you as a PDF. Okay, let's one by one solve the problem. पहला प्रॉब्लम है आपको दिया है टू पॉइंट चार्जेस आपके प्रॉब्लम में उधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ न्यू प्रॉब्लम डायरेक्टली मैं बता दे जाऊँगा उसके लिए आप क्या करो इसको पॉज करो पहले प्रॉब्लम देखो देखने के बाद इसको चालू करो वैसे ही करने का अभी मैं चालू किया हूँ तो ये इधर ही पॉज करो पहले वो प्रॉब्लम देखो प्रॉब्लम नंबर वन ओके प्रॉब्लम नंबर वन देखने के बाद में वीडियो चालू करो और वीडियो चालू करने के बाद आप कंटिन्यू करो ओके दैट्स ऑल टू पॉइंट चार्जेस आर लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस ओके तो एक्स एक्सिस पे टू पॉइंट चार्जेस लोकेटेड है तो कैसा है क्यू वन माइनस वन माइक्रोकुलम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे क्यू वन है आपका यहाँ पे आपका क्या है क्यू वन है एंड क्यू टू प्लस वन माइक्रोकुलम एट एक्स इज इक्वल टू वन मीटर यहाँ पे आपका क्यू टू तो क्यू वन कितना है माइनस वन माइक्रोकुलम क्यू टू कितना है प्लस वन माइक्रोकुलम ओके और ये डिस्टेंस की इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूँ मैं जीरो जीरो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा जीरो सॉरी वन जीरो और फाइंड द वर्क डन दैट मस्ट बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू थ्री ओके फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्स इज इक्वल टू टू मीटर तो ये वन मीटर ये वन मीटर ये अपना एक्स का डायरेक्शन है और यहाँ पे क्यू थ्री लाना है टू जीरो पे फ्रॉम इन्फिनिटी और बाद में पूछा है फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस ओके तो करते हैं अभी प्रॉब्लम करते हैं तो वर्क डन में क्या हो जाएगा अभी एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या यूज करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस ये तो एज ए प्रैक्टिस ले रहा हूँ मैं एज ए रिविजन ले रहा हूँ सब मैंने लिया है पहले दिखाया आपको तो इसका मतलब इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ न्यू टू यू एवरीथिंग इज गिवन तो उसका फॉर्मूला आता है अगर तीन चार्जेस है किसी भी डिस्टेंस पे ये क्यू वन है ये क्यू टू है ये क्यू थ्री है इसको हम बोलते हैं ना आर वन टू आर टू थ्री आर वन थ्री तो इसका यू बनता है वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू प्लस क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री प्लस क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री बन गया ये क्या बन गया इस कॉन्फिगरेशन को ऐसे रखने के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड दैट इज दिस तो अपने प्रॉब्लम में क्या पूछा है इन्फिनिटी से ला के यहाँ पे सेट करना है उसको इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे सेट करना है तो कितना वर्क डन हो जाएगा और बी में जो पूछा है उसका आंसर भी वही आएगा उतना ही एनर्जी उसका हो जाएगा ओके तो हम प्रॉब्लम करते हैं अभी इसमें हम क्या करेंगे जब ये इन्फिनिटी पे होगा जब ये इन्फिनिटी पे होगा तब उसका निकालेंगे नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते डायरेक्टली वैल्यू डाल के भी हम कर सकते हैं इतना उसको क्रिटिकल नहीं बनाते ओके तो एनर्जी पहले निकालते हैं वही वर्क डन होगा हाँ वन बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट ओके क्यू थ्री कितना दिया आपने को क्यू थ्री उन्होंने कितना दिया वन माइक्रोकुलम ओके क्यू थ्री भी प्लस वन माइक्रोकुलम ठीक है ये क्यू वन हुआ ये क्यू टू हुआ ये क्यू थ्री हुआ क्यू वन क्यू टू
माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन टू। ओके, अब ये आर वन टू कितना आएगा, जीरो और वन मतलब ये वन आएगा प्लस। ओके, सो बाद में कितना आएगा, क्यू टू क्यू थ्री, क्यू टू क्यू थ्री, क्यू टू कितना है वन वन, इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टू जीरो का है ना, मतलब ये वन और ये टू मीटर। फ्रॉम कितना, फ्रॉम किससे बोले, एट टू बोले, टू एक्स इज इक्वल टू मीटर। ओके नो प्रॉब्लम, एक्स इज इक्वल टू मतलब यहाँ से यहाँ, तो नो प्रॉब्लम, ये डायरेक्टली टू लेते हैं उसका, प्लस क्यू वन क्यू टू, क्यू टू क्यू थ्री, अभी क्यू वन क्यू थ्री, क्यू टू क्यू थ्री लिया ना मैंने, तो ये वन हो जाएगा इसके बीच में, और क्यू वन क्यू थ्री के लिए टू हो जाएगा, तो ये माइनस वन, ये वन अपॉन टू। ओके, इसका वैल्यू आता है नाइन इंटू टेन रेस टू नाइन, माइनस वन अपॉन वन प्लस वन बाय वन प्लस माइनस वन बाय टू, तो ये कितना हो गया, अभी ये माइनस वन, ये प्लस वन, तो ये हाफ हो गया, ये गया, सो माइनस हाफ निकल गया, तो आपका यू कितना बन जाएगा, नाइन इंटू टेन रेस टू नाइन अपॉन टू, ये माइनस हो जाएगा, सो फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू नाइन। अभी क्या पूछा है, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स बाय ब्रिंगिंग थर्ड पॉइंट चार्ज टू थ्री फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्स इज इक्वल टू टू। ओके, और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इसमें ये तो कहाँ का बन गया आपका, वो आने के बाद का बन गया, मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, यू फाइनल बोल सकते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ यू फाइनल कितना मिल गया मुझे, माइनस फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू नाइन। और एक मिनट, एक मैंने काम नहीं किया है, यहाँ पे माइक्रो में है ना, तो इधर माइनस सिक्स आएगा सभी जगह, वही मैं सोच रहा हूँ इधर प्लस कैसे आ रहा है, हाँ तो इधर इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स सभी जगह आएगा, तो इधर भी टेन रेस टू माइनस सिक्स आएगा, टेन रेस टू माइनस सिक्स आएगा, नहीं माइनस सिक्स नहीं, सिक्स टू दा ट्वेल्व आएगा, दो है ना, एक दो ट्वेल्व आएगा ये, अभी ठीक है, ये ट्वेल्व आने के बाद इधर भी ट्वेल्व करेंगे, ट्वेल्व इधर माइनस थ्री आएगा। ओके, तो राउंड अबाउट हमें मिल गया। ओके, ये फाइनल हो गया। ओके, वो आने के बाद, आने से पहले कितना था इनिशियल, वो इनिशियल निकालने के लिए ये क्या करने का, इसको एट इन्फिनिटी है तो ये निकल जाएगा वन बाई इन्फिनिटी, ये निकलने के बाद ये इतना है, मतलब इसका डबल, मतलब एट लास्ट आपको उतना एनर्जी मिलने वाला है, कितना, फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री, ये आपका टोटल हो जाएगा, टोटल वर्क डन, और उतना ही आपका टोटल एनर्जी, मतलब माइनस मतलब उतना एनर्जी नीड कर रहा है आपको, समझिए, ये फाइनल किया था, उसमें मैंने क्या किया, इस हाफ को निकल दिया, क्योंकि अभी माइनस हाफ रखा है मैंने। ओके, लेकिन उस टाइम वो निकल जाएगा, उस टाइम कितना आएगा, क्यू वन क्यू टू उतना ही रह जाएगा, तो ये वन माइनस वन जो जीरो हो रहा है तो नहीं होगा, इसमें से एक ही निकालेंगे एट ए टाइम, दो दो के लिए है ना, तो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू और आर टू वन, वॉट एवर इट इज, आर वन टू आर टू वन सेम है, तो वो दो कॉन्फ़िगरेशन के लिए करेंगे, ये तो इन्फिनिटी पे होगा उस टाइम, इनिशियल को वो जीरो होगा, क्योंकि ये वन बाई इन्फिनिटी जीरो आएगा, तो इतना ही आएगा, ये सब जाएगा और ये इतना ही बच जाएगा, खाली इसका ये माइनस ट्वेल्व इधर आएगा, तो वो माइनस थ्री हो जाएगा, तो नाइन में से उसका हाफ निकल गया, तो कितना बच गया, ये 4.5 बच गया, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर वन। लेट्स गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर टू, खोलिए आपको प्रॉब्लम नंबर टू, पॉज कीजिए वीडियो एंड प्रॉब्लम नंबर टू को देखिए।
ओके तो प्रॉब्लम नंबर टू में क्या किया, टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन क्यू टू इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम आर फिक्स्ड एट एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर. ओके डायग्राम ही दिया है डायरेक्टली. प्रॉब्लम टू तो डायग्राम ऐसे दिया है, अरे लिख नहीं रहे क्या था बीच में लॉकडाउन के पहले, ये स्कूल में था सब तो ये बंद था, अभी उसको आज मैंने चालू किया. ये ऐसा डायग्राम दिया है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है. ओके और ये चार्ज दिया है आपको, ये दिया है क्यू वन, ये दिया है क्यू टू और यहाँ पे चार्ज दिया है क्यू थ्री. ये कहाँ पे है, एक्स टू कितना दिया है -3 मीटर दिया है, एक्स वन कितना दिया है 3 मीटर दिया है और वाई दिया है 4 मीटर. और क्या दिया है देखो, थर्ड पार्टिकल ऑफ मास, इसका मास दिया है 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 10^-3 किलोग्राम और चार्ज दिया है -4 माइक्रोकूलम. ओके इसका चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम और ये चार्ज जिसका चार्ज है क्यू थ्री इज इक्वल टू कितना दिया है -4 माइक्रोकूलम. ओके ये रिलीज किया है रेस्ट से. ओके फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेस द ओरिजिन. ओके सिंपल है, देखो अभी क्या हो जाएगा. यहां से उसको रिलीज किया तो यहां से अभी देखो, अभी ध्यान से देखो एकदम. यहां पे ऑलरेडी 2 चार्ज हैं आपके, 2 चार्ज है, ये 2 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम और इसको यहां पे पकड़ा है तो ये चार्ज यहां पे दिखा था, ये चार्ज इसके ऊपर, ये माइनस है ये प्लस है, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स डालेगा, ये चार्ज भी इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स डालेगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है तो इसका मिला के द फोर्स विल बी डाउनवर्ड रिजल्टेंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F1+F2. तो यहां पे उनको एफ नेट डाउन ही मिलेगा. अभी उसको पकड़ के रखा है, ओके और मास भी है उसका बराबर ना, मास भी है तो छोड़ने के बाद वो नीचे आएगा. इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी चीज को छोड़ा, अभी इसको छोड़ा मैंने, ये नीचे जाएगा ना, अभी इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही इस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा बराबर, और छोड़ने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा और यहाँ आने तक उसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे बराबर. और एनर्जी कंजर्वेशन होता है तो टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी कांस्टेंट. तो बेटा अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, एज एनर्जी इज कॉन्सर्व, therefore we can write u initial plus k initial is equal to u final plus k final. u initial कितना होगा आपका जितना configuration उसका, k initial zero रहेगा, finally u final आपको निकालना पड़ेगा. okay और k final रहेगा आपका half mv square और ये v आपको निकालना पड़ेगा. ओके तो यू इनिशियल तो आपको क्या करना है बेटा, यहां से दिखाता हूँ आपको, ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले आपको ये कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. ओके इधर 2 माइक्रोकूलम, इधर 2 माइक्रोकूलम और इधर
माइनस टू माइक्रोकूलम, डिस्टेंस दिया है आपको माइनस थ्री, यहाँ पे प्लस थ्री, बना के कितना हो जाएगा, ये माइनस भूल जाओ, माइनस मतलब उस साइड को है, और ये तो ये थ्री मिल गया, थ्री मिल गया, सिक्स हो जाएगा, बराबर करेक्ट। ये कितना है, ये आपको दिया है फोर, तो मतलब ये सिक्स, मतलब ये हटा देता हूँ, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये फोर है तो ये थ्री, ये थ्री, थ्री थ्री ज़ार नाइन, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन, तो मतलब ये फाइव बन जाएगा, ये भी फाइव बन जाएगा। तो बेटा अभी पहली केस के लिए, तो इसको मैं लिख देता हूँ फॉर यू इनिशियल, ओके यू इनिशियल कैसे आएगा आपका, बना के दिखाता हूँ, वन बाय, उसकी जगह वन बाय फोर के लिखता हूँ उसको, के देखो क्यू वन क्यू टू अपॉन दिस, सॉरी क्यू वन क्यू थ्री, तो ये करते जाओ। सो इधर कितना है, टू माइक्रोकूलम, इधर माइनस टू, इधर टू टू, सो टू इंटू टू अपॉन सिक्स प्लस, फिर दूसरा का इससे अगेन टू इंटू टू अपॉन सिक्स प्लस, अभी मतलब क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू थ्री एंड क्यू टू क्यू थ्री, तो क्यू वन क्यू टू हो गया, क्यू टू क्यू थ्री और क्यू वन क्यू थ्री, तो क्यू टू क्यू थ्री और क्यू वन क्यू थ्री सेम आएगा, माइनस टू अपॉन फाइव, फिर से टू इंटू माइनस टू अपॉन फाइव, ये पूरा किया तो आपको मिलेगा यू इनिशियल, ओके यू फाइनल। फाइनल में क्या करना है, फॉर फाइनल आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, यहाँ पे आपका Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 बन गया, बन गया आपका ये Q1, ये Q2, यहाँ पे Q3 बन गया, तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये डिस्टेंस 3 आएगा, ये डिस्टेंस 3 आएगा, तो U फाइनल कैसे बन जाएगा आपका, U फाइनल K, K मतलब ये डायरेक्ट कांस्टेंट है, टू इंटू माइनस टू अपॉन थ्री प्लस दिस, टू इंटू माइनस टू अपॉन थ्री, और ये दोनों का टू इंटू टू अपॉन सिक्स, बन गया। अब ये निकालते हैं, ओके तो ये लिख के लो आपके पास, ओके और वी स्क्वेयर के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, तो इधर मैं करता हूँ, इधर थोड़ा सा जगह है मेरे लिए, इधर मैं उसको एडजस्ट करता हूँ, पहले मैं वी स्क्वेयर के लिए फॉर्मूला लिखाऊंगा, तो व्हाट विल द फॉर्मूला, वी स्क्वेयर, देखो बेटा वी स्क्वेयर विल बी यू आई माइनस यू एफ, ये टू ऊपर जाएगा एम नीचे जाएगा, इनटू टू अपॉन एम, तो वी स्क्वेयर कितना हो जाएगा, यू आई, यू आई निकल जाएगी, टू टू जा फोर, ओके ओके और सिक्स, फोर बाय सिक्स मतलब टू बाय थ्री, ये बन गया टू बाय थ्री, टू टू ज़ा फोर, माइनस फोर बाय फाइव, और ये भी माइनस फोर बाय फाइव, माइनस फोर बाय फाइव, माइनस फोर बाय फाइव, ये कितना हो जाएगा, टू इंटू माइनस फोर बाय फाइव, सो माइनस एट बाय फाइव, और ये टू बाय थ्री, सो टू बाय थ्री माइनस एट बाय फाइव, माइनस फोर्टीन बाय फिफ्टीन, माइनस फोर्टीन बाई फिफ्टीन माइनस यू एफ, यू एफ कितना हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर बाई थ्री, माइनस फोर बाई थ्री, माइनस फोर बाई थ्री, ये हो गया माइनस एट बाई थ्री, हो गया माइनस एट बाई थ्री और टू बाई थ्री, टू बाई थ्री माइनस एट बाई थ्री, चेक करो अभी माइनस सिक्स बाई थ्री आ गया, माइनस माइनस प्लस सिक्स बाई थ्री, ब्रैकेट सॉरी नॉट ब्रैकेट स्क्वेयर इन टू टू अपॉन एम, मास कितना है, टेन रेस टू माइनस थ्री, तो थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, थर्टी माइनस टेन ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस फोर ट्वेंटी सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन फिफ्टीन, तो सिक्सटीन अपॉन फिफ्टीन और इंटू टू, सो थर्टी टू अपॉन फिफ्टीन, ये इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे, और इसका आंसर कितना था, 6.2 आ रहा है, मतलब वी स्क्वायर, ये निकालो जरा,
ये वैल्यूज निकालो, आपको समझ गया, ये फॉर्मूला में डालो, ये कैलकुलेशन चेक करो एक बार, मैंने फास्ट फास्ट किया है, जगह भी नहीं है इधर, तो यू डू दैट। आपका आंसर कितना आना चाहिए? 6.2 मीटर पर सेकंड। मेरे को बताओ ये फाइनल वेलोसिटी आएगा, लेकिन थियरी ऐसा है, पहले इनिशियल निकालो बाद में फाइनल निकालो। यू आई प्लस के आई इज इक्वल यू एफ प्लस के आई, इधर जीरो डालो, यू एफ आपको मिल जाएगा, यू आई भी मिल जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला ये मिल जाएगा। और आप करो मुझे बताओ, नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसको उठाने के पहले आप लिख के ले लो। ओके, प्रॉब्लम नंबर थ्री में पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो मेरे साथ, आपका पीडीएफ देखो पॉज करके। ओके, पढ़ा आपने, द वर्क डन इन प्लेसिंग ए चार्ज ऑफ 8×10⁻¹⁸ कूलम ऑन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 100 माइक्रोफेरेड। ओके, एक कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेरेड का। ओके, और चार्ज कितना है, चार्ज दिया है, कितना दिया है, 8×10⁻¹⁸ कूलम, कैपेसिटर कैपेसिटी दिया है 100 माइक्रोफेरेड। इसके ऊपर तो एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, तो इसके ऊपर हमें कितना चार्ज देना है, इतना चार्ज इसके ऊपर देना है। तो आपको वर्क डन पूछा, तो आपको बोलने का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, तो फटाफट कर लेते हैं। वर्क डन विल बी हाफ सी वी स्क्वेयर, नहीं तो कौन सा, क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c, नहीं तो हाफ क्यू वी, कौन सा भी करो, यहाँ पे सी दिया है क्यू दिया है, तो वर्क डन का मैं ये फॉर्मूला निकालूंगा, क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c, क्यू कितना 8×10⁻¹⁸ डिवाइडेड बाई 2×100×10⁻¹⁶, 2×4 is 8, सो डब्ल्यू विल बी 8×4 is 32, ये 2, ये -6, मतलब ये बन जाएगा -4, -4 ऊपर +4, मतलब ये -14 हो जाएगा, 18×10⁻¹⁸ +32, तो आंसर कितना आ रहा है आपका, या करेक्ट, इट इज 32×10⁻¹⁰ जूल। ओके, एकदम सिंपल है, बीच बीच में सिंपल प्रॉब्लम भी मिलेगा आपको। ओके, लेट्स गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, ये हो गया 3, इधर ही करते हैं अभी प्रॉब्लम 4, तो बाद में हटाएंगे उसको। प्रॉब्लम 4 में क्या दिया आपको बेटा, प्रॉब्लम 4 में दिया कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 25 माइक्रोफेरेड, सी इज इक्वल टू 25 माइक्रोफेरेड, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 100 cm², एरिया दिया है 10 cm², मतलब 10×10⁻⁴ m², ये कितना बन जाएगा 25×10⁻⁶ फैरेड बन जाएगा। डिस्टेंस भी दिया है 0.1 mm, मतलब 0.1×10⁻³ मीटर दिए। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब उसका जितना वॉल्यूम है उसके लिए कितना एनर्जी लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एकदम सिंपल है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करो, पहले एनर्जी निकालो, एनर्जी कितना आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, मतलब वो वर्क डन, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना आएगा, गिवन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करो, तो एनर्जी निकाल के लो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को कैसे करने का, एरिया इनटू डिस्टेंस, समझ गए, तो इधर एनर्जी निकालते हैं फटाफट, तो एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ई हाफ सी 6×V² 100×100 मतलब 10⁴। ओके, ये हो जाएगा 12.5, तो ये कितना बन गया 12.5 इंटू
इज टू माइनस टू जूल। अभी इसको क्या करेंगे, ए डी से डिवाइड करेंगे, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 12.5 दिख रहा है ना आपको, 10^-2 अपॉन एरिया कितना दिया है, 10 × 10^-4 इंटू ये 0.1 × 10^-3। अब ये −4 −3 −7 हो गया, −7 और ये एक −1 लेते, −8 हो गया, ये −7 हो गया, तो −7 ऊपर जाके इधर 10^-7 हो गया, ऊपर जाके +7, तो 12.5 इंटू ये +7 है −10^5 जूल पर मीटर क्यूब। आंसर कितना था आपका, आ गया, खाली उसका एक ये डेसिमल साइन एडजस्ट करो, 1.25। ओके दैट्स फाइन। अभी प्रॉब्लम नंबर 5 देख लो, फटाफट प्रॉब्लम नंबर 5 देख लो, वो होने के बाद हम अपन पूरा करेंगे, उसको मैं हटाता नहीं है, ठीक है आप हम पॉज कर सकते हैं उसको। द मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज, एफ दिया है आपको, प्रॉब्लम 5 एफ दिया है, कितना दिया है, 1.77 × 10^-7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो ई पूछा है, इसके लिए कॉमन फॉर्मूला है, मैंने दिया है आपको एफ इज इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, करेक्ट, यस, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो वो करने का है। सो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला, आई एम पी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया है मैंने लेक्चर में, डिस्कस भी किया है, तो अभी कुछ नहीं, एफ दिया है आपको, एफ को ले लो, एफ कितना दिया है, तो अभी पहले लिख के लेते हैं, इसको बोलता हूँ मैं एफ, और आपका ई पूछा है, तो पहले ई स्क्वायर निकालते हैं, ई स्क्वायर कितना आएगा, 2f अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, इम्प्लाइज ई कितना आएगा, रूट ऑफ 2f अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, तो ई निकालते हैं अभी, रूट ऑफ 2, एफ कितना दिया है, 1.77 इंटू 10^-7 अपॉन के 9 × 10^-9 एप्सिलॉन नॉट, 8.8 × 10^-12। ओके ये करते हैं अभी, कितना आता है, 2 × 7 = 14 × 2 = 15 1 × 2 + 1 = 3.54 × 10^-7 ये 9 को वैसे ही रखते हैं, 8.8 ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, −3 हो गया, और ये −3 ऊपर जाके +3, ये मतलब ये −4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3.54 upon 9 × 8.8 × 10^-4, −4 बाहर निकलेगा, मतलब ये −2 वैसे ही रहेगा, 9 का रूट 3, और ये कितना आता है, 3.5 upon 8.8, सो अप्रॉक्सीमेटली 4/9 लेते हैं उसको, 4/9 का रूट कितना आएगा, 2/3, तो अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ना, 3 × 3 = 9, 2/9 आएगा × 10^-2, 2/9 मतलब 2, है ना, या 0.2 × 10^-6, कितना आंसर है देखता हूँ, 200, अरे यार −6 नहीं −2 है ना, सॉरी ये चेक करो फिर से, −7, और ये कितना दिया है एरिया, ये अरे हाँ ये −12 है ना, सॉरी हाँ ये मैं क्या है ना, 9 × 10^-9 बराबर है, बराबर करेक्ट, इट इज +3 हो जाएगा, −4 रह जाएगा, बराबर है −2, तो देखो अभी तो चेक करो इसको, आंसर चेक करो, खाली ये फॉर्मूला ये है, कैलकुलेशन थोड़ा सा खाली चेक करो, कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है, लेट्स चेक द कैलकुलेशन, ओके गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछो,
अभी प्रॉब्लम सिक्स लेते हैं। ओके मतलब आप आपका 10 तो प्रॉब्लम हो गया है अभी, वो जो डिस्कशन का था और ये। अभी इतने टाइम देखता हूँ कितना हुआ। ठीक है 30 मिनट्स हो गए, ये लास्ट करता हूँ और बाद में का प्रॉब्लम का आंसर आपको भेज देता हूँ। ओके दैट्स ऑल, दो ही बचा है अभी। ठीक है इसका भी वैसा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड कंडक्टर इज 50 वोल्ट पर मीटर, व्हाट इज द मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। वो सेम 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 आपको करना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर, ये सब दिया है आपको। आंसर आएगा, आंसर ऑप्शन ए ए आएगा। क्या हो जाएगा 30 30 मिनट्स का दो हो गया ना, तो मेरा जो टाइम दिया है मेरे को वो पूरा होता है, तो उसके बाद दूसरे भी लेक्चर है आपके, तो वो भी आपको पढ़ना है। तो ये बाद में के दो क्वेश्चन है, इसका आंसर देता हूँ और मैं रुक जाता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 7 आंसर है आपका, आंसर नहीं देता हूँ मैं आपको, हिंट देता हूँ। F1 upon F2 विल बी सिग्मा, ये भी सिखाया मैंने, σ1 upon σ2 ब्रैकेट्स को ये भी करो। ओके 8 वाला मैं कल बताता हूँ आपको। ठीक है थैंक्स अ लॉट। ओके सो वी विल कॉल अ डे, सो थैंक यू।